हेलो पीपल, हेलो पीपल, जस्ट गिव मी अ थम्स अप ऑन द ग्रुप इफ इट ऑल यू आर एबल टू सी मी. जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू सी मी एंड यू आर एबल टू हियर मी, देन वी स्टार्ट द सेशन. यस, यस, आई थिंक उनको नहीं जा रहा है, मैं ग्रुप पे पूछता हूँ. ओके, हाँ हाँ, आर यू एबल टू सी मी पीपल? आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं क्या? वो ब्लिंक होता है मतलब स्टार्ट हो गया, ऐसा है? नहीं नहीं, वो नीचे ब्लिंक हो रहा है ना. ओके, इसका मतलब होता है स्टार्ट हो गया. ओके, नहीं नहीं, एक थम्स अप है. नहीं, मेरे पास ऐप नहीं है यार बड़ी. एक अलग नहीं, चालू है क्या? परफेक्ट 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 परफेक्ट. चलिए, चालू हो गया ना कंफर्टेबली. चलिए ठीक है, ओके, तो शुरुआत का रेट कर लेंगे. परफेक्ट, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. यस पीपल, चलिए आ रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले. अगर कुछ बालक इसके लिए रुके थे और थोड़ा सा डिले हुआ तो आई गेस इट्स द फर्स्ट सेशन, तो चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट होने में समय लगता है, लैपटॉप कनेक्ट होने में वगैरह वगैरह थोड़ा सा समय लग गया. तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द सेशन. आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट एंड देयर आफ्टर वील डायरेक्टली गो अहेड विद द टॉपिक. सो माई नेम इज शुभम सुक्लेचा एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर, बट इट्स बीन मोर देन अ डिकेड आई एम इन पुणे एंड आई एम इन टू टीचिंग. आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वैसे, बट आई हैव डन माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरीशिप लॉन्ग बैक. सो इट स्टार्ट्स इन 2014. इन 2014 आई कंप्लीटेड माई सी एस. इन 2015 आई कंप्लीटेड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी. इन 2016 आई कंप्लीटेड माई एल एल बी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस आईएलएस लॉ कॉलेज. देयर आफ्टर इन 2017 आई कंप्लीटेड माई एल एल एम एंड उसके पहले से आई वॉज इन टू टीचिंग एंड सिंस देन आई हैव डिसाइडेड दैट दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट इज आई एम हियर. It's been a long, 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 long while I'm into in teaching, and the core areas I look into it are law-related subjects and specially securities law and the other allied laws. Okay, तो ये हुआ मेरे बारे में. And now, ज़्यादा कुछ नहीं. I just assure you कि आपके जो topics हम लोग discuss करने वाले हैं, आप लोग दीवाने हो जाएंगे. When I saw the list, स्वप्न सर ने मेरे साथ में लिस्ट शेयर की थी कि ये सारे लिस्ट हैं जो टॉपिक्स हम लोग आप डील करेंगे इन बच्चों के लिए. आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वंडरफुल 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 एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद सिक्योरिटीज लॉ. सिक्योरिटीज लॉ इन सब के अंदर, मतलब हर एक टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है. सिक्योरिटीज लॉ इज एन आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट. मतलब जैसे जैसे आप उसके अंदर जाएंगे, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद सेबी एक्ट, आप जैसे जैसे उसके अंदर जाते रहेंगे ना, यू विल सी दैट इट्स इनसेनली गुड. एंड वंस यू आर डन विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल ना, तो आप जब शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो सिक्योरिटीज लॉ वहां पे आपके बहुत 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 काम आएगा. सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद सिक्योरिटीज लॉ. मैं आपको एक थोड़ा सा फेयर आइडिया देता हूं एंड देयर आफ्टर वी गोइंग टू गो अहेड. फेयर आइडिया विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है? तो ऐसा है कि आपके सिलेबस में, आप सबको पता है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है आपके सिलेबस में, जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लॉ एंड द सेकेंड वन इज अदर इकोनॉमिक लॉस, राइट? इकोनॉमिक लॉस 30 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड कॉर्पोरेट लॉस 70 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. कॉर्पोरेट लॉ में फर्दर दो पार्ट्स हैं. वन इज विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज लॉ. एंड टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट दिस पार्ट इन पर्टिकुलर. तो होता ऐसा यारों दैट आपके सीए इंटर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो सीए इंटर में भी आपके कंपनीज एक्ट का कुछ पार्ट था एंड कंपनीज एक्ट का रिमेनिंग पार्ट आपके सीए फाइनल के सिलेबस पर रखा गया है. एंड सीए फाइनल में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, सिर्फ एक मियरली इंट्रोडक्शन दिया गया है टुवर्ड्स सिक्योरिटीज
लॉ. तो सिक्योरिटीज लॉ इतना डेप्थ में नहीं है आपके लिए, लेकिन एक इंट्रोडक्शन दिया गया है बिकॉज दिस इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन. सिक्योरिटीज लॉ इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ कंपनी लॉ. ठीक है, तो यहां पर आपका जब कंपनीज एक्ट ऑलमोस्ट अंत की तरफ होता है, जब आपने सीए इंटर में थोड़ा कंपनी लॉ पढ़ लिया, देयर आफ्टर रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंपनी लॉ आपने सीए फाइनल में पढ़ लिया, तो उसके बाद में एक इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ इज मस्ट टू गो हेड. आगे व्हेन यू विल बी वर्किंग इन कंपनीज एज वेल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब वहां पे आप देखेंगे इफ द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, इफ द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी देन अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट यू हैव टू अप्लाई वेरियस अदर लॉज स्पेसिफिकली फॉर लिस्टेड कंपनीज, और वहां पर आते हैं सिक्योरिटीज लॉ. तो सिक्योरिटीज लॉ भी बहुत वास्ट है, बहुत कुछ है, पर जैसे कि मैं कह रहा हूं कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ट्रेलर दिया गया है, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक आइडिया दिया गया है कि सिक्योरिटीज लॉ में क्या है. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, देयर इज वन सेबी एक्ट एंड द अदर इज एलओडीआर रेगुलेशन. सर ये एक्ट है, वो रेगुलेशन है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू. ठीक है, तो एक तो आपके सिलेबस में है सेबी एक्ट एंड एक है एलओडीआर रेगुलेशन. आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली हिट टुवर्ड्स सेबी एक्ट. ठीक है, अब इसके पहले चलिए सारी बातें हो गई इधर उधर की, ये सारी चीजें मोरलेस आपको पहले से पता थी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटीज लॉ. चलिए यारो, सेबी एक्ट आपके लिए शुरू करने के पहले, अब मैं सब्जेक्ट पे आ चुका हूं यारो. ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स चलेंगे, तो आप मुझे धीरे धीरे और जानते रहेंगे, बट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन द टॉपिक. सो द फर्स्ट टॉपिक वी टू सी इज सेबी एक्ट 1992. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, कैसा है कि इस टॉपिक को अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे ना, तो इट विल बी अ वेरी ड्राई टॉपिक, इट विल बी अ वेरी ड्राई टॉपिक. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले देयर आर सर्टेन बेसिक्स जो बच्चों को पता होना चाहिए, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली विल स्ट्रेट वे स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. हमारे सामने जो चैप्टर है सेबी एक्ट, ये तो सेबी एक्ट को हम स्ट्रेट वे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स इस चैप्टर के देखेंगे. एक बार आप लोग बेसिक्स को लेकर थर हो गए ना, देन यू लव दिस चैप्टर, यू लव दिस चैप्टर. किसी भी नए एक्ट को पढ़ने के पहले अगर उस एक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसका एक बेस पता होगा, तो आपको उस एक्ट में एक्चुअली इंटरेस्ट आएगा. आई जस्ट टेल यू, अगर कोई भी एक्ट आपने कभी भी पहले स्टार्ट किया होगा एंड अगर डायरेक्टली यू गेट इन टू द कोर एस्पेक्ट ऑफ लॉ, देन उसमें इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाएगा. तो लेट्स go through certain basics, hardly 10 to 15 minutes ki kuch basics lunga, and then without wasting any time we'll start with the first topic of the chapter. Chaliye to SEBI act ke liye kuch basics main discuss kar raha hu. Yes people, main aasha karta hu ki aap bachchon ke paas kuch notebook hogi, to koi bhi cheez jo main pen down karunga na yaro, aap log use pen down karte rahenge. Theek hai, to main aapko pen down karne ka samay dunga. तो मैं यहां पे सबसे पहले पेन डाउन करूंगा, जब मैं लिख रहा हूं तब आपको नहीं लिखना है. इट्स अ रूल ऑफ द क्लास, हमारे जो भी टॉपिक साथ में चलेंगे उन सब में इन चीजों का ध्यान रखना है. जब मैं लिख रहा हूं तब आपको नहीं लिखना है. क्लियर है हम लोग? जब मैं लिख रहा हूं दैट इज द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड साथ साथ में. तो मैं पढ़ाते पढ़ाते लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा अच्छा सा लिखने के लिए. ठीक है, तो मेरे साथ में लिखना नहीं है. बेसिक्स, सबसे पहली चीज एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं बात करता हूं, वॉट Do you mean by a listed company? एकदम सिंपल यार. ऑफ कोर्स यहां पे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हम सब, तो यहां पे ये तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दीज बेसिक्स, बट एक बार हम सब लोग ग्राउंड लेवल पे देखिए कैसा है. कोई भी बड़ी इमारत बनाने के पहले उसकी नींव बड़ी एकदम स्थिर होनी चाहिए. What we are doing is, पहले 10-15 मिनट में कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे जो आप बच्चों को ऑलरेडी पता होने चाहिए. ठीक है ना, तो अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा, और किसी को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है. लिस्टेड कंपनी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी. अ लिस्टेड कंपनी सिंपली मींस, एज द नेम सजेस्ट, कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. खत्म बात. What do you mean by a listed company? A listed company simply means a company which is listed on a stock exchange. Listed company simply refers to a company which is listed on a stock exchange. Khatam ho gaya? Haan. But this explanation itself draws another question. What is that another question? That another question is, what is a stock exchange? What is a stock exchange? किसे ठीक है, लिस्टेड कंपनी कैसी कंपनी है विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, देन वॉट एग्जैक्टली इज अ स्टॉक एक्सचेंज.
एकदम सिंपल तरीके से, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज सिंपली मींस अ मार्केट प्लेस. देखिए यारों, आप बच्चों ने अभी बहुत लेटेस्ट तरीके से, लेटेस्ट तो नहीं, अब तो उसको बहुत समय हो गया, हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा. जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो चलेगा. तो उसके अंदर आपने स्टॉक एक्सचेंज का एक ग्लिम्स देखा है, बट जो स्टॉक एक्सचेंज का ग्लिम्स आपने वहां पे देखा है ना, वो आपने पिछला मतलब वो 1990s के टाइम पे वो चलता था, 90s की सीरीज में वैसा स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था. नाउ तो थिंग्स हैव रेडिकली चेंज्ड, बट फिर भी एक स्टॉक एक्सचेंज का ग्लिम्स आपको है. सो व्हाट डू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? एकदम सिंपल, स्टॉक एक्सचेंज सिंपली इज अ मार्केट, 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 मार्केट. यस यस सर, एकदम परफेक्ट है. यस यस आप, यस यस यस, प्लीज प्लीज प्लीज, यस सर. हे गाइस, आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम. अभी तो सर ने जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू वुड बी लविंग द वे ही टीचेस. सो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर एंड आई अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा. मे बी आफ्टर 2-3 डेज व्हेन आई आस्क यू, यू विल कैन गिव मी द फेयर ओपिनियन अबाउट हिज टीचिंग, बट आई एम वेरी श्योर यू वुड लाइक द वे ही विल टीच. डोंट वरी, ही इज बेस्ट एट इट. ओके, तो तब तक के लिए मैं तो आपको कॉर्पोरेट लॉ में मिल ही रहा हूँ. बाकी सर जो है, ही इज गोइंग टू टीच यू 3-4 acts. बहुत मजे करेंगे सर, माहौल पढ़ाएंगे एंड आज के दिन आपको समझ जाएगा. राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर. यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर. मतलब आप माहौल ही ऐसा बनाते हो कि उसके आगे तो व्यक्ति क्या ही बोलेगा. बट थैंक यू सो मच सर. Yep. Thank you, sir. Nothing at all. Yes, people. चलिए अब वापस मुझे देख लो आप लोग. चलो कदम इधर आओ. So where were we? So we are talking about certain basics. एकदम मस्ती से शुरुआत में ध्यान बना के रखना. मैं आपको क्या कह रहा हूं, just be with me for first half an hour. Then remaining part के लिए तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Okay? So just try and be with me for first half an hour. So where were we? We were basically on listed companies. Listed companies क्या होती है? A company which is listed on stock exchange, listed company. सर ये बैठ गया. आगे stock exchange. A listed company refers to a company which is listed on stock exchange. What is a stock exchange? Stock exchange is a marketplace. Stock exchange is a marketplace for buying and selling. Stock exchange is a marketplace for buying and selling of securities. सर नहीं समझा, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से. आज की तारीख में बेस्ट एग्जांपल ओएलएक्स क्या है? ओएलएक्स क्या है? व्हाट इज ओएलएक्स? हाँ, घर पे बैठो चीखो चिल्लाओ. चलो, ओएलएक्स क्या है? ओएलएक्स इज नथिंग, इट्स अ मार्केट प्लेस वेर इन यू कैन बाय एनी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट और यू कैन सेल एनी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट. एज इजी एज दैट. व्हाट इज ओएलएक्स? ओएलएक्स इज नथिंग बट अ मार्केट प्लेस वेर इन यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट और यू कैन सेल एनी प्रोडक्ट. क्लियर है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज है स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट एन ओएलएक्स ऑफ शेयर्स. तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज. स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है? अगर मान लीजिए मुझे कोई शेयर्स परचेज करने हैं, ठीक है, एंड एट द सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज समवन हु इंटेंड्स टू सेल सम शेयर्स. तो कोई एक व्यक्ति है, उसको कुछ शेयर सेल करने हैं, एक व्यक्ति है, उसको कुछ शेयर परचेज करने हैं. राइट, तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं करता है, इट इज मियरली अ मार्केट प्लेस जो कि बायर और सेलर को मिला देता है. दैट्स इट. स्टॉक एक्सचेंज डज नथिंग, इट इज मियरली अ प्लेस जो कि बायर और सेलर को मिला देता है. और मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके सिलेबस में एक बहुत बेहतरीन एक्ट था, सिक्योरिटीज SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. अगर वो एक्ट सिलेबस में होता ना, तो आप एक ऐसा समा देखते तो शायद अब आप नहीं देख पाएंगे. क्या समा बनता है उस एक्ट में? उस एक्ट के अंदर यह बताया जाता है कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था जब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी चतुराई से, कुछ लोगों ने मिलकर अपने विजडम से, अपने माइंड से एक बिजनेस डेवलप किया था कि कोई भी व्यक्ति सिक्योरिटी को बाय सेल करेगा तो वो हमारे थ्रू करेगा और हमें मिलेगा ब्रोकरेज. ये एक्चुअली किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया हुआ बिजनेस था, बट 1956 में गवर्नमेंट बोला कि नहीं, दिस इज अ रियली डेंजरस बिजनेस, आप कुछ लोग मिलके पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लोगे एंड वी कैन नॉट अलाउ दैट. एंड 1956 में कंपल्सरीली गवर्नमेंट ने उनके बिजनेस में इंटरफेयर करना शुरू किया. इट वॉज अ बिजनेस ऑफ अ फ्यू पीपल एंड गवर्नमेंट ने उस बिजनेस में इंटरफेयर करना शुरू किया और धीरे 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 गवर्नमेंट ने उन पूरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लिया. दैट कंसेप्ट वॉज देयर इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया. लेकिन फिर भी उसके कुछ लिंक आएंगे हमारे एक्ट में, जब आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या थे? कुछ लोगों ने ऐसा प्लान बनाया. आप देखते ना अपने आसपास, आपको भी ब्रोकर्स दिखते हैं फॉर रियल एस्टेट, कि किसी व्यक्ति को अगर घर खरीदना है तो ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर ब्रोकर मुझे आप एक घर दिला दो.
वो ब्रोकर बोलता है रुको है मेरे पास, उस ब्रोकर के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको घर बेचना होता है, वो भी आते हैं ब्रोकर मेरा घर बेच दो, तो ब्रोकर आपको अवेलेबल ऑप्शंस दिखाता है, आप उन व्यक्ति उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करते हो, ब्रोकर दोनों लोगों से बायर से सेलर से दोनों से 1% इट कुड बी एनी पर्सन 1% ब्रोकरेज लेता है और इंजॉय करता है. स्टॉक एक्सचेंज इज नो डिफरेंट देन अ ब्रोकर देन अ रियल एस्टेट ब्रोकर. बस ये आइडिया बहुत साल पहले आया था, उन्होंने सोचा कि किसी भी व्यक्ति को शेयर्स बेचने हैं खरीदने वो हमारे थ्रू जाएगा एंड उन्होंने स्टार्ट किया स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग, आज भी इट इज अ मार्केट प्लेस टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, एक मार्केट प्लेस है टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. एग्जाम्पल एनएससी बीएससी. ओके यार, तो एक और मिथ है बहुत लोगों के दिमाग में कि एनएससी बीएससी आर दी ओनली स्टॉक एक्सचेंजेस. तो आई क्लियर इट अप, ऐसा नहीं होता है. इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है बट एनएससी बीएससी आर द मोस्ट पॉपुलर वंस. एनएससी बीएससी सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट इनके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, यहां तक कि पुणे का भी एक खुद का स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था. बट ठीक है, वो सब छोड़ते हैं. बट देर आर वेरियस स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बट जो सबसे बड़े दो स्टॉक एक्सचेंज है दे आर एनएससी एंड बीएससी. क्लियर है? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज सिंपली अ मार्केट प्लेस to buy and sell securities. एकदम सिंपल है यहां पे. So listed company it's a company which is listed on stock exchange. So stock exchange क्या है? It is a marketplace for buying and selling security. अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से. अब यहां पर एक सवाल आता है कि क्यों सेबी के आने की जरूरत पड़ी थी. We are still on basics, focus very carefully. Why सेबी? समझना बहुत carefully. आप में से कुछ बच्चों ने हर्षद मेहता स्कैम देखा होगा, तो हर्षद मेहता स्कैम जब आपने देखा होगा तब आपने उसमें देखा होगा कि लोग बहुत ही मनमानी कर रहे थे. शेयर मार्केट के अंदर लोग मनमानी कर रहे हैं एंड देयर इज नो अथॉरिटी टू एक्चुअली कंट्रोल देम. एंड एक बहुत बड़ा फीचर स्टॉक मार्केट का, सुनना ध्यान से, वन पर्सन्स गेन इज अनदर पर्सन्स लॉस. ये शेयर मार्केट का एक रूल है. अ बेसिक रूल ऑफ शेयर मार्केट इज वन पर्सन्स गेन इज अनदर पर्सन्स लॉस. तो इस रूल के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी मनमानी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करके एंड द पर्सन इज मेकिंग हेल ऑट ऑफ प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं सब ठीक चल रहा है. हाँ जी, ओके, ग्रुप पे. ओफो नहीं, अक्षिता कह रहे हैं और सौरम्या कह रहे हैं कि नहीं लेक्चर रुक गया. ओफो, वेट, लेक्चर रुक गया, ऐसा बच्चा बोल रहे हैं. यारों, अगर वापस आपको सुनाई या दिखाई देता है ना तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन द ग्रुप. ओफो, ओफो. जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड देखने वाले, संभाले अपने आपको. ठीक है, रुको. क्या हो गया मेरे भाई, क्या होता है ऐसे? ये अपने ये किस में लेक्चर चल रहा है? अपने अपने ऐप में चल रहा है, तो इसमें कभी कभी ऐसे लेक्चर बीच में अटक जाता है क्या? नया चैनल रहता है थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. ओके, कोई बात नहीं. ठीक है. तो अपन को ओके उस ग्रुप पे ध्यान देना होता है कि अगर कभी अटकता है तो बच्चे यहाँ पे बोल देते हैं. सही बात है आपकी. फो, पॉज कर दो रिकॉर्डिंग को ना, ये भी सही है आपकी बात. रिकॉर्डिंग को इससे पॉज कर दें, है ना?